गाइज जी, मेरे पास है महिंद्रा बोलेरो का 2016 मॉडल है, SLE मॉडल है, और साथ में है यूज़र आलोक भाई। तो भाई का इसमें 1,00,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है, 1,00,000 किलोमीटर ये गाड़ी को भाई ने चलाया है। तो पूरा फीडबैक देखेंगे कि भाई ये जो कार है महिंद्रा की बोलेरो कैसी है भाई के लिए, भाई का पूरा फीडबैक। अभी 2020 में BS6 मॉडल अगर खरीदना हो तो क्या भाई खरीदेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, ये मेरा चैनल है A2Y कार ड्राइव, यहाँ पे आपको कार के बहुत सारे इंटरेस्टिंग यूज़र रिव्यूज देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में कुछ वॉक अराउंड भी मिलता रहेगा। ये मेरा नया चैनल है, मेरा जो मेन चैनल है A2Y मोटर राइड, वो बाइक्स के ऊपर है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ऑलमोस्ट सभी कार्स के यूजर रिव्यूज आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। और हाँ, अभी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन सी कार के यूजर रिव्यूज चाहिए। तो आलोक भाई, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो बोलेरो है, महिंद्रा बोलेरो 2016 में तुमने खरीदी, तो ये बोलेरो ही क्यों खरीदी? मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, महिंद्रा में ही आप स्कॉर्पियो ले सकते थे, या इसी सेगमेंट में और दूसरी कार भी है, तो बोलेरो खरीदने का मेन रीजन क्या था, या बोलेरो क्यों खरीदनी चाहिए, ये भी आप कवर कर सकते हो। यार देखो, पहली चीज़ तो ये थी कि रोड जो है, हम वैसे बैतूल से बिलोंग करते हैं और मेरे यहाँ खेती है, तो रोड इतनी बेकार थी मेरे चाचा के पास, क्योंकि शिफ्ट डिज़ायर थी, वो 1 साल में ही उसकी हालत पूरी ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो फिर हमने सोचा हमें गाड़ी ऐसी चाहिए जिसका रफ एंड टफ हम यूज़ कर सकें। तो रफ एंड टफ यूज़ करने के हिसाब से सिर्फ एक ही गाड़ी दिमाग में आती है, वह बोलेरो। स्कॉर्पियो प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा भी है, और दूसरी चीज़ पहले से घर में थी। अच्छा, तो इसलिए हम उस सेक्शन में नहीं गए। बोलेरो ऐसी गाड़ी है, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे खेती के जो मैंने आप फेंसिंग होती है, तार होती है, वो तक के मैंने उसमें जो है लेके गया हूँ, और कुछ नहीं हुआ है गाड़ी को, और बहुत लो मेंटेनेंस गाड़ी है। मतलब इसमें मुझे 1,00,000 किलोमीटर पे मुश्किल से, मैंने अगर मेंटेनेंस के नाम पे अगर बात करूँ तो मुझे 4 साल में जो है मैंने 50,000 रुपये भी मेंटेनेंस शायद ही लगाए होंगे। ठीक है, और गाइस जैसे कि बताऊं, ये 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, बट अभी मैंने इसको चलाया, इसमें बैठा, कहीं से भी आपको फील नहीं होता कि भाई 1,00,000 किलोमीटर चल गई। यहीं पर अगर आप दूसरी कोई कार खरीदते हो, छोटी कार, चाहे सेडान की बात करें या जो अभी नॉर्मल गाड़ी चलती हैं, कोई से भी आप ले लो इसी सेगमेंट की, इसी प्राइस पॉइंट की, वो भाई 1,00,000 किलोमीटर में उनकी हालत आपको समझ आएगी कि भाई 1,00,000 किलोमीटर चल गई है। लेकिन इसके साथ तो कुछ और ही है, हालांकि बाहर से आपको देखने को गंदी समझ आ रही होगी, क्योंकि मैंने सोचा अब इसको नहीं धुलवाते हैं, बिल्कुल रॉ वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं कि जैसे ये चलती है, ऑफ रोड चलती है, ख़राब रोड में चलती है, तो गंदी तो होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने सोचा रॉ वीडियो आपके लिए दिखाएंगे कि देखो अभी क्या है कंडीशन, अभी गाड़ी बहुत गंदी है, देख सकते हो यहाँ पे। तो जैसे चलती है, गाड़ी का जो पर्पस है वो उसको फुलफिल करती है, साथ ही साथ में भाई इतना तो आता ही है, अगर आप ऑफ रोड करते हो, खराब रोड में राइड करते हो, छोटे सिटीज में हो, और गांव में जैसे कि भाई ने बताया कि विलेज में है, खेती वगैरह भी होती है, इसीलिए आप नोटिस करोगे कि छोटी सिटीज में, इनफैक्ट विलेज में बोलेरो का मार्केट बहुत अच्छा है। बोलेरो महिंद्रा की टॉप सेलिंग में आती है, इनफैक्ट अगर आप सर्च करोगे ना तो top 10 बेस्ट सेलिंग कार में इसका भी नाम आता है। थोड़ा इसका डिटेल बताओ, इंजन कैसा, क्या है इसका, इंजन कितने सीसी का है? लगभग 2400 सीसी का इंजन होता है इसका ना, और कौन सा इंजन मिलता है इसमें? M2DI इंजन है, एक ही मेरे ख्याल से इसमें है M2DI, और इसमें MOK इंजन जो है आवाज़ नहीं करता है, ये थोड़ा सा साउंड है इसका, वाइब्रेशन रहती है इसमें, इस इंजन में। बाकी जो है, बाकी गाड़ी जो है कम्फर्टेबल है, आप ऐसे बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं, अंदर से आप अगर बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी बोलेरो में बैठे हैं। और अभी जो है इस गाड़ी में जो है पावर स्टेयरिंग भी दी है, और सारी चीज़ें डिजिटल कर दी है, सबसे मेन चीज़। पहले आप अगर पुरानी बोलेरो लेते थे, कोई आदमी लेता था, तो उसको ये लगता था यार यार ऐसे गाँव खेड़े की गाड़ी बोली जाती थी, लेकिन आज अगर अपन इसमें बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं, अंदर से कार वाली फील आएगी। ओके, तो गाइज अभी इसको, इसका मैं पूरा आपको इंटीरियर भी दिखाऊंगा कि अभी कैसा कुछ है इस गाड़ी के अंदर का, पूरा डैशबोर्ड वगैरह सब दिखाऊंगा। तो भाई का कहना यह है कि थोड़ा सा इसमें फीचर्स भी हैं, चलाने में भाई को अच्छा कंफर्ट भी देती है, स्पेस भी अच्छा है, मैं भी बैठा तो नई गाड़ी, नई जो बोलेरो आ रही है उसमें थोड़ा सा कम स्पेस आपको फील हो सकता है, बट इसमें स्पेस अच्छा है, क्या कहना है भाई इसके बारे में? हाँ, जो नई गाड़ी अभी आई है उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया है। पावर जैसे कि 62 PS है एग्जैक्ट, इतनी है लगभग, आप बता सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट बताओ। टॉर्क इसमें अच्छा है, टॉर्क की गाड़ी है, तो वो आपको कैसे समझ आता है, जैसे वेट कभी हैवी घाटी वाटी में कभी ऐसी? मैंने आज तक, मतलब यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा घाट सेक्शन तो बैतूल नागपुर उसी रोड पे थे, और बैतूल में बरेठा घाट बहुत फेमस है, मैंने आज तक कभी गाड़ी को फर्स्ट गियर पे घाट पे नहीं चढ़ाया।
हमेशा जो है सेकंड अगर स्पीड में रहा तो थर्ड गियर पे भी चढ़ जाती है गाड़ी। कहना ये है कि जिससे कि इसमें टॉर्क बहुत अच्छा, आप सभी को पता है बोलेरो स्कॉर्पियो टॉर्की इंजन देती है, तो टॉर्क अच्छा होने की वजह से आप अगर कभी छोटी गाड़ी चलाओगे ना तो उसमें क्या होता है कि आप कहीं घाटी में चढ़ाते हो तो एक नंबर से ऊपर आप ले जाओगे, जैसे मेरे पास अमेज है, इनफैक्ट कोई भी गाड़ी आप देखोगे दो नंबर ज्यादा से ज्यादा तीन नंबर में तो चढ़ेगी नहीं, लेकिन भाई का कहना यह है कि दो नंबर तीन नंबर एक नंबर सब में आराम से घाटी चढ़ जाती है। तो ये एडवांटेज होता है भाई टॉर्क का कि जो कैपेसिटी है पुल करने की बहुत ज्यादा होती है। इसमें वेट भी, इसको लोग कॉमर्शियली भी यूज करते हैं, टैक्सी के लिए भी यूज करते हैं, घर के लिए भी यूज करते हैं, तो मतलब ये मल्टीपर्पज है भाई। आप कहीं ट्रेवल्स में भी देखोगे ना तो बोलेरो आपको मिल जाएगी, लोग घर में भी यूज करते हैं अपनी पर्सनल कार के लिए। और सात सीटर गाड़ी है ना, सेवन सीटर गाड़ी है। और दूसरी चीज ये है कि हमने इसको, आप मतलब आप शहर का नाम लीजिए, हमने इसको एक रन में चलाया है, 500-600 किलोमीटर एक रन में चलाया है इसको, 500 किलोमीटर बिना रुके चलाए हैं। तो गाड़ी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि हीट हो जा रही है या ऐसी कुछ, आप अगर कार में जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आती है 400-500 किलोमीटर चलाने में, बाकी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। प्लस सीटिंग से लेकर सस्पेंशन से लेकर हर चीज़ बहुत शानदार है। बस एक थोड़ी सी दिक्कत होती है कि एसी का, एक मैं बताना चाहूँगा कि अगर पीछे अगर कोई बैठता है तो जो है जो पीछे के दो लोग होते हैं उन तक एसी का जो है रीच नहीं रहती है, बाकी तो गर्मियों में ही दिक्कत होती है इतनी, बाकी गाड़ी बहुत शानदार। ठीक है, और मेंटेनेंस कैसा है? जैसे महिंद्रा की गाड़ी है तो सर्विस कॉस्टिंग से 1 लाख किलोमीटर चलाई तुमने, कितने क्या पैसे लगे होंगे एक अंदाजन बताओ? अभी तो मुझे नहीं लगता कि याद होगा तुम्हें, बट एक अंदाजा कितना हो सकता है सर्विस कितना लगता है? जैसे एक सर्विस कराने ले जाओगे इसको कितने पैसे देने पड़ते हैं? देखिए, अगर आप ऑयल फिल्टर और जैसे मैं सर्विसिंग इसकी शोरूम से होने के बाद मैं बाहर ही इसकी सर्विसिंग कराता हूँ, तो शोरूम पे जो है तकरीबन वही 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आता था, 5-6 हज़ार रुपये के आसपास का। बाकी ऑयल फिल्टर डीजल फिल्टर बाकी आपकी उसके ऊपर है कि आप कितना कौन सी क्वालिटी का लगाते हैं। बाहर कितना होता है? बाहर वही 3-3.5 हज़ार रुपये इसका खर्चा आता है तकरीबन। ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है चूँकि इसमें, तो इसलिए अगर आप कार और दूसरी आप गाड़ियों से कंपैरिजन इसका नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल बहुत लगता है इसमें, बाकी कार में जो है ऑयल कम लगता है, इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, इसलिए आप इसका ठीक है। बट फिर भी एक देखें तो भाई 2500 cc की गाड़ी है, उस हिसाब से मेंटेनेंस बहुत कम है भाई, 3-4 हज़ार रुपये कम होता है एक सर्विस का, इतना तो मतलब नॉर्मल आप अगर 1200 cc की नॉर्मल पेट्रोल कार लेते हो तो हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल में डीजल के कंपैरिजन में कम मेंटेनेंस होता है। तो ये है कुछ, और कुछ इसके बारे में ज़्यादा कुछ यार स्पेसिफिकेशन बेस हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूज़र रिव्यू में जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिकेशन आपको बताई जाए, आप तो गूगल कर सकते हो, उसके लिए हम अलग वीडियोज़ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेन जो फीडबैक होता है यूज़र का होता है भाई, कि यूज़र को अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बात करेंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टायर्स जैसे आते हैं, महिंद्रा ने ब्रिजस्टोन के टायर दिए थे, मैं तकरीबन 50,000 किलोमीटर वो टायर मेरे चले हैं। एक बार 50,000 किलोमीटर वो टायर चले हैं, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं कि टकले हो गए हैं वैसे टायर चले हैं, अच्छे कंडीशन में टायर बदलाए हैं। अभी भी मैंने टायर जो है इसमें जो है C8 के डलवाए हैं, तो जो है गाड़ी मतलब इसके टायर में ऐसा नहीं आती है दिक्कत की बड़ी गाड़ी है तो टायर जल्दी घिस रहे हैं या कुछ, बाकी आपके मेंटेनेंस के ऊपर है, आप टाइम टाइम पे व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट वगैरह करवाते हैं। तो भाई का कहना ये है कि टायर जो थे गाड़ी के वो 50,000 किलोमीटर चले थे, 50,000 बहुत होता है एक गाड़ी के हिसाब से, और ब्रिजस्टोन के टायर आते थे, लेकिन अभी भाई ने C8 के टायर डलवाए। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा जो मिलता है आपको, ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो आप कभी भी ऑफ रोडर अगर कोई भी जाएंगे तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इसी गाड़ी में है। मैंने इसे जितना रफ यूज किया है, मैंने बहुत ज्यादा रफ यूज किया इसको, आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत देख के मैंने इसे, और अभी साथ में बैठे भी थे फिर भी, लेकिन 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये गाड़ी ने परफॉर्मेंस दी है मुझे, मुझे नहीं लगता कोई और गाड़ी होती 1 लाख किलोमीटर बाद शायद मैं उसको 50,000 किलोमीटर ही बेचने की सोचने लगता, लेकिन अभी मैंने इसको कभी ऐसा कुछ ठीक है। अगर कैमरा अगर उधर कर पाए, अभी हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, मैंने ऐसे ही नदियों में से भी गाड़ी को निकाला है और पत्थरों के बीच से, क्योंकि बारिश में गांव में हर जगह सड़कें नहीं होती हैं, अभी तो खैर बनने लग गई हैं, लेकिन जब मैंने ली थी तब इतनी सड़कें अच्छी नहीं थी, और ऐसी नदियों में से भी बीच में निकाला है जिनमें कार जो है घंटों जाम में फंसी रहती थी, और कई बार ऐसा होता था कि जाम लगा रहता था सिर्फ कारों की वजह से या कोई वो हो गया, बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं, तो अगर ट्रक निकल जा रहा है तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी। क्वालिटी बाकी कुछ यार, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ कभी कुछ पार्ट्स वगैरह कभी ऐसा? मेरा एक ड्राइवर से ही हो गया था ये, मेरा बम्पर जो हुआ था, लेकिन मुझे महिंद्रा की जो है सर्विस भी अच्छी थी, उन्होंने चूंकि मेरी गाड़ी खैर इंश्योरेंस भी था
लेकिन उन्होंने जो है टाइमली मुझे जो है बना के दिया, और अच्छा बना के दिया। बम्पर और ये साइड का टूट गया था, आप देखेंगे ये टूट गया था, लेकिन उन्होंने बढ़िया इसकी फिटिंग करके दी। भाई ये भी बोल रहा है कि महिंद्रा की सर्विस अच्छी है, सही बोल रहा भाई जी? महिंद्रा की सर्विस अच्छी है, मतलब इंडियन कंपनी है, गाड़ी भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है। सर्विस भी अच्छी है, ठीक है। और कोई बड़ी प्रॉब्लम इसमें लगी क्या अभी तक, जो कि मतलब एक बार खरीदने से पहले कंसीडर करना चाहिए? महिंद्रा की एक ही प्रॉब्लम मुझे ऐसी समझ में आई कि शायद इसके जो है क्लच में, या 5-6 साल चूंकि बहुत साल हो गए हैं, तो एक क्लच में इसकी प्रॉब्लम ऐसी आती है, क्लच या आपके क्लच में भी आती है, और एक दूसरी चीज़ आती है कि इसका जो इस थ्रॉटल सेंसर होता है, चूँकि पहले गाड़ियों में सेंसर नहीं आते थे, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये पूरी डिजिटल बना दी है इसको, तो इसमें सेंसर आता है, तो इसका जो थ्रॉटल सेंसर है उसमें मैंने स्कॉर्पियो में भी महसूस किया उसका, और इसमें ही महसूस किया है कि थ्रॉटल सेंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कि बहुत मतलब छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन आती है। मेन महिंद्रा की गाड़ी में मैंने ये चीज़ देखी है कि महिंद्रा की लगभग, क्योंकि मैंने स्कॉर्पियो भी चलाई है और बुलेरो भी रही है, तो दोनों में मैंने ये चीज़ देखी है कि थ्रॉटल सेंसर में इसमें जो है दिक्कत आती है। कितने में खरीदी थी भी कुछ याद है, कितने में उस टाइम? तकरीबन ये मुझे पड़ी थी 8 लाख रुपए में, ऑन रोड पूरी कंप्लीट, ऑन रोड कंप्लीट। अभी एग्जैक्ट इसकी जो अभी बोलेरो आ रही है, हमकी एक्स शोरूम प्राइस कितने से स्टार्ट होती है अभी आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी। तो गाइस इस वीडियो का मुद्दा ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ना सेकंड हैंड कार्स खरीदते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं, क्योंकि इंडिया में 30-40% जो है कार मार्केट वो सेकंड हैंड भी है, तो अभी इसको ले सकते हैं। SLE अच्छी गाड़ी है, इसमें आपको टॉप मॉडल भी था इसका SLX, क्या इसका ZLX मॉडल आता है। SLX और ZLX में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पीछे वाइपर जो होता है बैक मिरर का वाइपर एक बस वही ऐड हो जाता है उसमें, और SLE और SLX में सिर्फ इतना है कि जो डैशबोर्ड है वो वुडन आता है SLX में। ये है छोटा सा एक नॉन टेक्निकल यूजर रिव्यू बोलेरो SLE के बारे में। 2016 का मॉडल है भाई का, 1 लाख किलोमीटर का जो भी फीडबैक था, और ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है मेरा जो कंक्लूजन है भाई का कि आप ले सकते हो अगर आपको खरीदना हो। सेकंड हैंड क्या है, सेकंड हैंड लेने लायक है अगर लिया जाए तो? हाँ बिल्कुल है, मैंने जैसे आपने अभी बैठ के देखा 1 लाख किलोमीटर के बाद भी गाड़ी में बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं कि 1 लाख किलोमीटर, ऐसा लगता है हाँ आपने 10-15 हज़ार 20 हज़ार किलोमीटर चलाई है। और दूसरी चीज अभी मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास 6 लाख रुपए का इसका ग्राहक है अभी, 5,80,000 रुपए में अभी मुझे मांगने के लिए आए थे, अगर मैंने मना कर दिया तो यार बहुत अच्छी रीसेल है, मतलब 8 लाख में 1 लाख किलोमीटर के बाद आप सोच सकते हो गाइस कितनी अच्छी रीसेल वैल्यू मिल रही है। महिंद्रा की यार सभी गाड़ियों में, स्कॉर्पियो हो गई, बोलेरो, इनकी रीसेल बहुत अच्छी है, तो ये आप पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हो। अगर आपको ना रीसेल के हिसाब से कोई गाड़ी चाहिए, आप 1-2 साल बाद बेचने वाले हो, तो महिंद्रा की गाड़ी आपके लिए इसके लिए बेनिफिट हो सकती है। उसी के अलावा विलेज एरिया में हो, ऑफ रोड हो, छोटी सिटीज में हो, तो ये आपके लिए बेहतर पैकेज हो सकता है। छोटी गाड़ियों में यार मैंने देखा है कार वार कितना जल्दी चैम्बर टूटता है छोटी गाड़ियों से, डान का है ना जो भी बारिश में, और अभी मैं इसे लगभग सारे हिली एरियाज में ऊटी लेके जा चुका हूँ, इसे मैं जो है पचमढ़ी लेके जा चुका हूँ। अभी मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं जानना है मुझे कि जैसे बॉडी रोल होता है बोलेरो में, ये सब लैडर फ्रेम की गाड़ी है, इसमें बॉडी रोल फील होता है अगर हम कॉर्नर्स लेते हैं, तो ये क्या कभी दिक्कत करता है? मतलब अगर जैसे मैं अगर राइड करूं, मैं ड्राइव करूं, तो मुझे फील होगा क्योंकि मैं नॉर्मल कार राइड करता हूं, नॉर्मल कार ड्राइव करता हूं, तो क्या तुम्हें जैसे तुम इसको यूज़ करते हो डेली बेसिस पे, तो तुम्हें ऐसा कुछ लगता है, कुछ ऑड लगता है कि भाई बॉडी रोल होता है तो कुछ दिक्कत हो रही है कॉर्नर्स में, या ऐसा कुछ स्टेबिलिटी में कुछ ऐसा? स्टेबिलिटी में तो मुझे नहीं लगी, लेकिन हाँ, या बॉडी रोल में भी, लेकिन हाँ अगर कोई कार चलाने के बाद इसको चलाएगा तो उसे ऑब्वियसली थोड़ी सी लगेगी, और हैवी जो है जो जिसके टायर्स होते हैं, तो कोई भी SUV अगर आप चलाओगे कार चलाने के बाद तो आपको थोड़ा सा हैवीनेस तो लगेगी, ये चूँकि जो है ऑफ रोडर SUV है तो इसमें थोड़ी सी हैवीनेस लगती है आपको जब आप चलाएंगे इसको, बाकी ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं लगी। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, और मेरी भी थोड़े दिन मैंने दी थी गवर्नमेंट में, लेकिन जो है आप अगर इसकी बीच की सीट पे, अगर मिडिल सीट जो होती है उस पे जाएंगे तो आराम से, अगर आप दुबले पतले हैं तो
चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, तभी तो यार लोग कमर्शियल भी इसको यूज करते हैं। हाँ, बाकी आप बेंच सीट है सामने वाली, लेकिन उतना ही लेग स्पेस भी दिया है क्योंकि बेंच सीट है। अभी आज यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो, थोड़ा सा मैं ना इसका अंदर आपको दिखाता हूँ एक बार कि अभी क्या है कंडीशन अंदर की, डैशबोर्ड की, सीट वगैरह कैसी है, सब कुछ आपको अंदर से एक बार दिखाता हूँ। तो यही है, बाकी का भाई का फीडबैक यहीं तक था, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछो, भाई भी आंसर करेगा, मैं भी आंसर करूंगा। कुछ भी अगर जानना हो भाई से कि भाई क्या है, कुछ भी फीडबैक इस गाड़ी के बारे में पर्सनली, तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और आओ अभी अंदर से आपको एक बार दिखाता हूँ कि, और थोड़ा सा मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। ये है देखो पूरा ये डोर, यहाँ ये है डैशबोर्ड, आप देखो ये देख सकते हो आप, नॉर्मल सा है, ज़्यादा कुछ प्रीमियम नहीं है। और भाई आप अगर SLX में जाएंगे तो ये जो आपको वुडन मिलेगा। हाँ, अब यहीं पे जैसे कि अगर आप SLX में जाते हैं ना तो आपको ये पूरा वुडन मिलता, बाकी यहाँ पे कुछ डिजिटल मीटर है थोड़ा, इसको आप इग्निशन लेना एक बार, ये देखो ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ डिजिटल पार्ट भी है। हाँ, यहाँ पे दिखाना एक बार, ये देख सकते हो यहाँ पे ओडोमीटर की रीडिंग 100,000 दिख रही होगी आपको। तो ये है कुछ, यहाँ पे देखो प्लेयर भाई ने लगाया हुआ है, और ये स्टेयरिंग इसकी देख सकते हो। सीट अभी आप देखो, सीट में ये कुछ कवर लगाया गया है, ये देख सकते हो इस टाइप से, है ना। ये है सीट, देखो थाई सपोर्ट आपको कम मिलता है, नॉर्मल फ्लैट सीट मिलती है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल रहा है हालांकि। वो ड्राइवर सीट है, ये देखो गियर लीवर है, यहाँ पे कुछ स्पेस है, और मैं आपको पूरी रॉ दिखा रहा हूँ, कुछ मैंने ऐसा नहीं किया है कि वीडियो बनानी है तो गाड़ी को साफ करो, जैसे नॉर्मल यूज़ होती है वैसे ही दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये मैट लगाया है भाई ने, देख सकते हो ये मैट बहुत चलती है इन गाड़ियों में, क्या है कि खराब रोड में चल रही है, कीचड़ मिट्टी सब क्या है इजिली इसमें मैनेज हो जाती है। पीछे आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो पीछे के डोर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल से हैं, यहाँ भी कोई भी बॉटल रखने की जगह नहीं है। ये पीछे का स्पेस देखो, सीट देखो, ये यहाँ पे सीट जो है ना काफ़ी बड़ी है यार। ये देखो पूरी बॉटल रखी हुई है, पूरा जो भी है कचरा भाई वहीं से पानी पीता है, यहीं पीछे फेंक देता है, ऐसा है भाई का पूरा गेम। और ये पूछे यहाँ इससे स्पेस देखो, ये मेरे बैग रखे हुए हैं, कैमरा कुछ रखा हुआ है, देख सकते हो स्पेस काफ़ी अच्छा है, तीन लोग आराम से बैठ सकते हो स्पेस के मामले में, कोई हेड रूम भी बहुत अच्छा है। पीछे वाली रो भी आप ये देख सकते हो ऐसी है, पीछे वाली रो यहाँ पे साइड रोज दी गई है। यहाँ पे भाई ने अभी मुझे एक पॉइंट ये भी बताया कि अगर आप ब्रेकर्स में ना गाड़ी तेज़ से कुदा देते हो तो थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है गाड़ी, तो ये आपको यहाँ पे संभाल के चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कमानी भी ऐड करी गई है, यहाँ पे देख लो आप ना, ये इस हिसाब से थोड़ी सी अगर आप ब्रेकर में ज़्यादा कुदाते हो तो अनस्टेबल हो जाते हैं। बाकी टायर ये आप देख सकते हो, भाई ने नए टायर डलवाए थे। तो वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं, जो भी आपका फीडबैक हो, कभी आपने ऑन करी हो बताओ। ये देखो SLE की बैजिंग यहाँ पे है, बोलेरो SLE की बैजिंग। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।